हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 फीट बाई 40 फीट का ये हाउस प्लान है, जिसमें आपको दो बेडरूम, एक गेस्ट रूम और पार्किंग, हॉल, टॉयलेट, किचन, स्टेयर गेस सारी सिस्टम आपको ये 20 बाई 40 के हाउस प्लान में मिलने वाला है। एरिया की अगर हम बात करें तो 800 स्क्वायर फीट में बहुत ही शानदार सा हाउस प्लान है दोस्तों। इसमें आपको पार्किंग का ही घर के अंदर पार्किंग का सेटअप मिलता है। अगर ये घर आप एक शहर में बनवा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर आप देहात में बना रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप शहर में बनवा रहे हैं तो इससे बेहतरीन हाउस प्लान 20 बाई 40 में नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे क्या होगा जब भी हम कोई न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल में चला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको A to Z सारी जानकारियां देंगे, जैसे हम आपको कॉलम बना के दिखाएंगे साथ में कि कितने बाई कितने का कॉलम है, किस तरीके का कॉलम है, सारा सिस्टम हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला का काम होता है कॉलम को क्रिएट कर लेना। हमने कॉलम यहाँ पे 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम क्रिएट करते हैं। रेनफोर्समेंट की बात करें तो आपको 4 सरिया देना है 12 mm का, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम सारा पहले कॉलम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और 10 mm का रिंग बना के प्रॉपर आपको 6 इंच की स्पेसिंग पे बंदी कर देना है और इस तरीके से कॉलम आपका बनके रेडी हो जाएगा। दोस्तों कभी भी घर बनाए तो सबसे बेहतरीन गलती यही होती है कि लोग पहले ब्रिक वर्क कर लेते हैं उसके बाद कॉलम की ढलाई करते हैं। अक्सर हम गांव में हर जगह देखते हैं यही है, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है, जिससे आपका स्ट्रक्चर बहुत कमजोर हो जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर में दीवालों में क्रैक सारी समस्या देखने को मिलेगी। तो कभी भी आप कोशिश करें कि कुछ इस तरीके से सबसे पहले आप अपने कॉलम को क्रिएट कर लें, साहुल में रहेगा, अच्छे से क्यूरिंग करें, जिसका मजबूती अच्छा रहेगा और लॉन्ग टाइम आपका घर चलेगा, ठीक है। देख सकते हैं कॉलम कुछ इस तरीके से खड़ा होने के बाद आपको ब्रिक वर्क कर लेना है। तो बाहर की दीवार देखिए हमने 9 इंच का दिया है, आप अपने आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं, कोई भी जरूरी नहीं है कि आप 9 इंच का ही दें, लेकिन अगर 9 इंच देते हैं आपका बजट बढ़िया है तो बहुत ही शानदार होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाहर की दीवार हमने कुछ इस तरीके से बना दी, 9 इंच की है, और अंदर की दीवार आपको 4 इंच यानी बाहर की दीवार 2 ईंटे की है और अंदर की दीवार 1 ईंटे की चुनाई से बनाई गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा अंदर का जो भी पार्टीशन वॉल था उसको भी हमने क्रिएट कर दिया और बाहर का भी क्रिएट कर दिया। अभी हम इसमें डोर विंडो का सेटअप करेंगे। अगर आपको घर के बाहर बाहर आपका खुद का प्लॉट है तो आप बाहर के साइड में भी विंडो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप केवल बाहर फ्रंट साइड में, और आप अपने घर के अंदर ओटीएस का भी सिस्टम कर सकते हैं, जिससे आपके घर का वेंटिलेशन अच्छे से होते रहे और आपके घर में काफ़ी अच्छे से गर्मी ना हो। वेंटिलेशन होने से क्या होगा, नमी रहेगी यानी आपके घर में स्वस्थ रहेगा, हवा एकदम स्वच्छ आती रहेगी, ठीक है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, घर बनाते हैं तो सबसे बड़ी गलती वाला सबसे शुरुआत में यही गलती होता है, प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल की हाइट लोगों को पता नहीं रहती है, जल्दीबाजी के चक्कर में आप कितना लोग गांव में देखते होंगे घर बहुत ज्यादा हाइट पे कर देते हैं तो कोई घर बहुत ज्यादा डाउन पे कर देते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कितना हाइट पे अपने घर को रखना है। तो ये सब सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, इसको आपको एकदम अच्छे से केयर करना है, क्योंकि जिंदगी में हर लोग एक ही बार घर बनाते हैं, तो घर को इतना बेहतरीन बनाएं जिससे आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। देख सकते हैं हमने जो घर के सामने का रोड था उस रोड से हमने 2 फीट हाइट पे घर का आपका प्लिंथ लेवल दे दिया, ठीक है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने जो लाइन मार्क किया हुआ है। इसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ पे बाहर में एक विंडो का सेटअप होता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़ा, जितना बड़ा विंडो देंगे ना आपके घर का उतना ही बेहतरीन, देख सकते हैं एकदम सेंटर में विंडो देना रहता है, उतना बेहतरीन लुक बनता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने कट कर दिया, यहाँ पे हम अपना विंडो का सेटअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डोर फिट करना है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। डोर फिट करेंगे यहाँ पे, देखिए ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे डोर है, और एक डोर आपको पीछे के साइड में मिलता है इसी बेडरूम में। आप देखिए मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। एकदम लगेगा आपका घर बनके रेडी हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एक डोर और यहाँ पे एक डोर, जिससे क्या होगा ये आपका बेडरूम है, गेस्ट रूम पर्पज से भी यूज होगा। जैसे कोई आपके घर गेस्ट आया, इसमें बैठा हुआ है, आप इधर से आया यहीं पर रुक गया, और अंदर से आप अपना जो भी व्यवस्था है खाने पीने का इधर से करके आप ला दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने किचन का सेटअप दिया हुआ है, यहाँ से आप खाना बनाएंगे इधर ला के दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मेन डोर है, ठीक है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आया हुआ है, आप चाहते हैं कि आप सीधे अंदर चले जाएं, तो देखिए कितना आसान तरीका है, गेस्ट इधर बैठा है, आप सीधे आए, सीधे अपने घर के अंदर चले गए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे आपको एक विंडो का सेटअप मिलता है, इसको बोलते हैं टॉयलेट, ठीक है। ये टॉयलेट का है, और सेम इसके अपोजिट साइड में इधर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक किचन का भी सेटअप देखने को मिल जाता है। बहुत लोग ये कहेंगे कि देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट है और किचन साथ में है, तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही गलत है। ये गलत है, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही केवल गलत है, ठीक है। अगर आप बहुत लोग वास्तुशास्त्र को नहीं मानते हैं तो उनके हिसाब से सही है, ठीक है। जो मानता है उसके हिसाब से गलत है, तो वो जो जिसको गलत लगता है वो अपना ये टॉयलेट को इस साइड कर सकते हैं, और यहीं पे कुछ एल शेप में अपना स्टेयरकेस का सेटअप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टेयरकेस इस साइड में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है, देखिए घर जब छोटा रहता है दोस्तों ना, तो उसमें हर एक चीज़ वास्तुशास्त्र के आप अनुसार फिट नहीं कर सकते, कोई भी अच्छा भी डिजाइनर हो कैसा भी हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका घर छोटा है, अगर आपका घर का जो दिशा है वो गलत है, हमने बोल दिया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा में आपका घर का एंट्रेंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका घर का मुखी हो, आपके घर का जो सामने का रोड है वो पश्चिम या दक्षिण साइड में रहे, तो आप उसको कैसे सही करेंगे। तो देखिए हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें को हम अपने अनुसार छेड़छाड़ करके उसमें कुछ तो सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ा सा, देखिए यहाँ पे हमने एक
बड़ा सा गेट का सेटअप दे दिया, यहाँ से गेट लग जाएगा। इसमें दो रैंप बना देंगे जिससे आप फोर व्हीलर गाड़ी भी अंदर एंट्री कर सकें, टू व्हीलर गाड़ी भी अंदर एंट्री कर सकें, ठीक है। ये सारा कुछ होने के बाद अगर आपके घर के बगल में, यानी ये साइड में देख सकते हैं, कुछ इस साइड में, अगर मान लीजिए कुछ इस साइड में, ठीक है, यहाँ पे आपका खुद का ज़मीन है बगल, यानी आपके घर के पीछे साइड में आपका खुद का प्लॉट है, आपने रखा हुआ है, ठीक है, या आपका खुद का ज़मीन है, तो कंडीशन में चारों साइड में अगर आपने खुद छोड़ रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मैं पूरा बना के दिखा देता हूँ, जल्दीबाजी में ऊपर नीचे लेवल हो सकता है, बस आप समझिए, ठीक है। ये देख सकते हैं, देखिए चारों साइड में जब विंडो का सेटअप रहेगा ना, तो एकदम हवा पास करती रहेगी, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहेगा, आपका घर एकदम कूल कूल रहेगा, ठीक है। देख सकते कुछ इस तरीके से आपका पूरा सेटअप कर दिया गया है। अभी हम थोड़ा सा ये लाइन की वजह से बेकार लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा डिलीट मार देंगे, ठीक है। ये एक मिनट, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओके हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज़ ओके है। आप चाहें तो एक विंडो यहाँ पर भी दे सकते हैं, जिससे और भी इस घर का अंदर का लुक है वो बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से चारों साइड से ओपन करके आप इसका बेहतरीन सा डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ये है कि इस हाउस प्लान तो आपने बनाकर रेडी कर दिया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, डायमेंशन क्या है यानी रूमों का साइज क्या है, तो वो भी हम आपको मेजर करके दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका ये बेडरूम है 9.5 फीट बाई आपको 12 फीट का ये बेडरूम देखने को मिलता है। ये बेडरूम दोनों सेम साइज का है। इसके बाद हम आते हैं किचन में, तो देख सकते हैं किचन आपको 7 फीट 11 इंच का आपको देखने को मिल जाता है इसकी लंबाई। और उसकी चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 फीट 1.5 इंच आपको देखने को मिलता है इसकी चौड़ाई, और इसकी चौड़ाई सेम है। और आप देख सकते हैं टॉयलेट की जो लंबाई है वो आपको 5 फीट देखने को मिल जाती है। इसके बाद से ये सारा एरिया जितना बचता है ये देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 13 फीट के राउंड बचता है, ठीक है, 12 फीट 11.5 इंच यानी 13 फीट के राउंड आपको पूरा एरिया मिलता है। 13 फीट चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो 13.5 फीट से ऊपर आपको ये पूरा हाल का एरिया देखने को मिल जाता है, जो कि इसी में से केवल स्टेयर केस का सेटअप करना है बस, ठीक है। उसके बाद से ये आपका बेडरूम है, तो ये आपको 12 फीट बाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.5 फीट का आपको बेडरूम देखने को मिलता है। सेम साइज का ये आपका पार्किंग वाला एरिया है। अभी हम मेजर करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, चौड़ाई सेम है, लंबाई भी सेम है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा एरिया देखने को मिलता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं 800 स्क्वायर फीट में बनाया हुआ ये हाउस प्लान है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपका प्लॉट कुछ 800 स्क्वायर फीट में है तो कुछ इस तरीके से देखने को आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का दोस्तों हाउस प्लान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।